है, ठीक। और उसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ना, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये कितना है? 528 और मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बताया गया है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा है। तो ये चौड़ाई है और चौड़ाई से दो गुना और एक ज़्यादा ये लंबाई है, ठीक। और आगे देखो तो करना का है, यहाँ पे लंबाई क्या है? लंबाई, ये चीज़ लंबाई है, ठीक है नहीं? तो लंबाई बराबर 2x और प्लस 1, और चौड़ाई कितनी? कितनी? x है कि नहीं? और क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार कर देना है। अब यहाँ पे हमें लिखना है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। तो यहाँ पे हमें लिख देना है, यहाँ पे लंबाई कितना है? 2x और प्लस 1, इनको ब्रेकेट में कर लेना है। और यहाँ पे चौड़ाई बराबर कितना? लंबाई और गुणे चौड़ाई, इनके बीच में गुणे का निशान है, कितना है? 528। और इनको गुणा कर लेना है x का 2x से, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। और यहाँ पे कितना? x एकम x, और बराबर कितना है इधर? 528 है, इनका पक्षांतरण कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 528, ठीक, माइनस के अंदर, और बराबर के इधर क्या बचा? जीरो, ठीक। अब इनके जैसा है x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे प्लस x की जगह bx है, b की जगह यहाँ पे क्या है? एक है, क्या है? एक, यानी x का संख्यात्मक गुणांक एक है, माइनस 528, ठीक। तो ये व्यापक रूप के जैसा है ये, ठीक। तो तरीको सवाल है, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद जो एक संख्या आ जाए, जैसे 5, 6, ये क्रमागत है, ठीक। जैसे 11 के बाद 12, ये कर्मागत हैं, 14 के बाद 15 कर्मागत। तो इसमें बताया कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है, ठीक। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि नहीं? तो यहाँ पे जो दूसरा सवाल है, इसमें मान लेना है कि भैया जो है, माना पहली संख्या क्या है? एक्स है, ठीक। और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे x और प्लस 1 कर लेना है, x प्लस 1, जैसे कि 15 है, 15 मतलब हमें करना का है, दो संख्याएं हैं इसमें, दो संख्याएं हैं जिनको गुणा कर दिया जाए तो कितना है? 306। और संख्याएं क्या हैं? कर्मागत, यानी कि एक के तुरंत बाद आ जाते हैं, तुरंत बाद, ठीक। तो उनको गुणा करना है और कितना है? 306 आए। तो जैसे कोई कर्मागत संख्या है ना, जैसे 5 है, तो वहाँ 1 जोड़ी हो तो अब दूसरी संख्या ही है, 5, 1, 6, ठीक। तो इसमें काली मतलब पहली संख्या x हुई और दूसरी में क्या करना है? 1 जोड़ा गया है तो अगली संख्या आएगी, ठीक। तो इसमें लिख देना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो यहाँ पे लिख देना है x ये पहली संख्या, और इनका गुणा करा देना है किससे? दूसरी संख्या से, x प्लस 1, ठीक। गुणा हुआ, इनके बीच में गुणे का निशान है, बराबर का निशान, और कितना है? 306। अब इनका गुणा कर लेना है और द्विघात समीकरण के रूप में इनको बदल देना है, ठीक। तो यहाँ पे x का x से गुणा कितना? x स्क्वायर, और x का x से क्या? प्लस x, ठीक। और इनका इधर करना है पक्षांतरण, 306 का इधर पक्षांतरण, एक प्लस में है माइनस में, 306 = 0, ये आ गया इनका। क्या मानना है? x मानना है। तो इसमें हमें मान लेना है, माना रोहन की आयु बराबर कितना? x है कि नहीं?
तब इनकी जो माता जी हैं, तब माँ की आयु बराबर कितना, x प्लस 26, ठीक है नहीं। इसे बताया कहाँ बताया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो 26 बड़ी है कि नहीं है, जितना रहा है वहाँ 26 जुड़ा, ठीक। फिर क्या बताया गया, आगे का बताया गया, इसमें उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद 360 हो जाएगी, तो इसमें लिख देना है हमें 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, ठीक। जैसे ही एक्स है तो यहाँ 3 और जुड़ जी, जैसे 17 साल के हो तो यहाँ 3 अगर जोड़ दिया जाए कितना 20 साल, लेकिन 18 के हैं तो कितना हो जी 21, ठीक है नहीं। तो ये एक्स है ना तो यहाँ 3 और जुड़ जी है कितना हो जी 1 + 3, तो इसमें लिखना है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या पश्चात, ठीक। तो इसमें लिख देना है रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर कितना 1 + 3, ठीक। और माँ की जो इनकी माता जी है ना की आयु बराबर कितना, बोलो 1 + 26, है कि नहीं। इनकी माता जी की उम्र इतनी रहा है ना, और यूं तो 3 जुड़ी है, इसमें भी 3 जुड़ेगा ना, रोहन की उम्र रहा है एक्स तो 3 जुड़ा इनके, और जो माता जी का जो उम्र रहा है ना वह भी 3 जुड़ी, ठीक। तो ये कितना आया फिर 1 + 29, ठीक। अब आगे हमें लिखना का है प्रश्नानुसार, प्रश्न अब देखो दोनों की उम्र यानी कि ये रोहन की उम्र और माँ की आयु, अगर दोनों को गुणा कर दिया जाए तो कितना है 360, कितना है 360, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें लिखना है x और प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर, दूसरी बात इसमें x प्लस 29 बराबर कितना 360, बात समझ में आई। यहाँ पे 29 है, 29 ये माता जी की उम्र और यू रोहन की, अब इनका गुणा कर दिया जाए, x का x से x स्क्वायर और x का 29 से कितना 29x, फिर 3 का x से 3x, फिर 3 का 29 से कितना 3 × 9 = 27 के साथ, और 3 × 2 = 6 और 2 = 8, 3 × 9 = 27 के साथ हासिल 2, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, बात समझ में आई। और बराबर कितना 360, इनका पक्षांतरण कर लेना है तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखो 29x और 3x सजातीय पद है ना, इनके आगे एक्स है इनके आगे भी एक्स है, तो इनको जोड़ लेना है, क्या करना है तो कितना हो जाएगा 32 क्या एक्स, और यहाँ पे प्लस 87 और यहाँ पे माइनस 360 बराबर 0। आप समझो थोड़ा, एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 32 एक्स 2 × 3, ठीक 273 आया, तो यहाँ पे लिख देना है 273 किसमें माइनस के अंदर, ये हुआ द्विघात समीकरण, ठीक। लिख डालो इनका, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब यहाँ पे दूरी कितनी है, दूरी दूरी दी गई है कितनी 480 किलोमीटर, ठीक। अब देखो यहाँ पे T1 यानी 2 समय है इसमें, समय 2 है। देखो समय के लिए फार्मूला क्या होता है, समय दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ पे दूरी लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे पहला जो समय है यानी कि यहाँ पे कर दिया जाए T1 यानी कि पहला समय, तो जो पहला समय है कितना 480 और बटे कितना x, ठीक, ये पहला हुआ। और यहाँ पे दूसरा जो समय है कौन सा, दूसरा
ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। तो इसमें क्या करना है, जब 8 किलोमीटर कम होती है, यानी कि जो चाल है ना, चाल 8 किलोमीटर कम जब हो जाती है, यानी x जो मतलब चाल है इनकी, ये चाल है और इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, लेकिन ये दूरी कितनी रही, होती नहीं रही है 480, ठीक। तो समय कितना लगी है, 3 घंटा ज़्यादा लगी है। अब देखिए मैं कहा है, चाल कम हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे चाल थोड़ा तेज रहा है, मतलब जितना रहा है उमा से ही कम होगा, ठीक नहीं। तो इमा ज़्यादा टाइम लगी है ना, और इमा क्यों, क्योंकि चाल कम होगी ना। तो यहाँ पे लिख देना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे हमें लिखना है 480 बटे x माइनस 8। अब देखो इमा ज़्यादा टाइम लगी है और इमा कम टाइम लगी है, ठीक है नहीं, क्योंकि इसमें चाल कम हुआ है ना, और बटे यहाँ पे x बराबर कितना, 3 घंटा का अंतर रही है, कितना 3 घंटे का अंतर रहेगा, बात समझ में। यानी कि ये वाला जो चाल जो कम हुआ है ना, उससे का जब घटाया जी है ना, ठीक, तो ये समय से ये समय जब घटाया जी है तब 3 घंटा का अंतर है। अब करना का इनका द्विघात समीकरण में बदल लेना है, तो इनका इनसे गुड़ा और इनका आपस में गुड़ा, ठीक, क्योंकि इसमें से इसको अब घटाना है ना। अब इसको हमें भूल गए कि क्या करना था इसमें, अब इसमें क्या करना है, घटाना है ना। तो इनका इनसे गुड़ा, इनसे गुड़ा और इनसे गुड़ा, यही तो होता है। तो x का 480 से कितना, 480 x, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 480 और x फिर से क्यों, और यहाँ पे 480 का माइनस 8। यहाँ पे देखो, देखो दो बातें हैं इसमें, दो लोग हैं ना, तो इनको कर लेना है ब्रेकेट में, यहाँ पे लगा देना है माइनस, ठीक, 480 x हुआ ये वाला, फिर ये वाला माइनस, ठीक, और यहाँ पे 8 0 0, 8 0 और 8 28 64 के हासिल 6, 8 4 32 और 6 38, ठीक। और यहाँ पे ब्रेकेट बंद, और इसके नीचे क्या लिखना है, इनसे गुड़ा, ठीक। तो x का x से x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कितना, 8x, और बराबर ये वाला कितना, 3। आ रहा है समझ में, आगे देखो। अब यहाँ पे 480 x माइनस कितना, 480 x और माइनस माइनस प्लस कितना, 38 40, ठीक। और इनका इधर कर देना है, मतलब ये जाएगा पक्षांतरण में, ये दोनों है, इसमें दो पद है ना, इससे मतलब गुणा करेगा, तो इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो बराबर यहाँ पे 3x स्क्वायर, और 8 3 24 माइनस 24x, ठीक, ये चीज। अब आगे देखो, ये समाप्त क्यों, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो समाप्त हुआ ना। और 38,000 मतलब 3840 इनका पक्षांतरण कर देना है उधर, ठीक, या फिर इनको कर देना है इधर, ठीक। तो यहाँ पे देखो आगे, 3840 बराबर 3x स्क्वायर और माइनस 24x। अब अगर चाहो तो इनको इधर कर लें, है कि नहीं, या फिर इनको इधर कर दें, बात एक ही है, ठीक। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर और माइनस 24x, ठीक, और इधर ये जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना, 3840 बराबर क्या, बात समझ में। अब इसमें जो है 3 से भाग कर लेना है, ठीक, क्योंकि 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 8 24, और ये 3 से भी कटेगा, क्यों, क्योंकि इनका जो मतलब अंकों का जो जोड़ है ना, 8 3 11 11 4 कितना, 15 15, 3 से कट जाएगा, ठीक, यानी 3840 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 3, यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 3 8 कितना, 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x, और माइनस यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6 और 3 8 24, और यहाँ पे 0 बराबर क्या, 0, ये चीज़, ठीक।